जैसा कि डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा जी ने बताया कि यह पूरा राष्ट्रव्यापी एक आयोजन है, एक अभियान है, जिसके अंदर संपूर्ण देश को स्वच्छ बना करके इस विश्व पटल पर रखना है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना ही नहीं है, बल्कि एक संकल्प है जिसमें वो दिन रात लगे हुए हैं। और ये एक सप्ताह मनाया जा रहा है जो 25 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक का चल रहा है, जिसको गहन स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रखा गया है। तो विद्यापीठ एक स्वच्छ परिसर है और आप लोगों की तत्परता और तल्लीनता से ये निरंतर स्वच्छ बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस अवसर पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है, जैसा कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अगर शुभ संकल्प से शुरू करते हैं, संकल्प ले करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। इस अवसर पर हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं और संकल्प लेने के लिए आप जानते हैं अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, जैसे क्रीड़ा में संकल्प लेते हैं, पूजा में संकल्प लेते हैं, शुभ संकल्प लेते हैं, उसी तरफ सब हम लोग सामने बढ़ाएंगे अपना हाथ और मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आप इसे दोहराएंगे। चलिए हाथ उठाइए, सामने करिए, दाहिना हाथ सामने करिए, हथेली नीचे की तरफ। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को गंदगी करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार और, भारत माता की जय, विद्यापीठ की जय।